हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के एक दिवसीय दौरे पर मौजूद रहे। इस दौरान जयराम ठाकुर ने लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी कुल देवी माता शिकारी देवी के दर पर शीश नवाया। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने शिकारी माता क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके उपरांत सीएम जयराम ठाकुर ने उपमंडल थुनाग की ग्राम पंचायत टीम कटारू में लगभग 64 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा क्षेत्र के जंजहेली के मुख्य बाजार में आज सुबह हुई आगजनी की घटना में मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ने प्रभावित परिवार से मिलकर सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जड़ोल में विज्ञान प्रयोगशाला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संगलवाड़ा के भवन, जंजहेली बाखली गढ़ा गुस्सैनी सड़क पर बाखली खट पर 30 मीटर स्पैन आरसीसी गटर पुल, जंजहेली में विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के स्तरोन्नयन, जंजहेली में निरीक्षण हट, जंजहेली से लंबा थात सिंचाई योजनाओं के उद्घाटन किया। आज जहां जंजहेली में एक मकान में आग लगने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और उसमें मैं यहाँ पर मौके पर देखने के लिए भी आया था। आग के लगने के कारण की जानकारी हासिल की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ में जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा और जो मदद की जा सकती है सरकार की ओर से वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के है कि बाज़ार आज पूरा यहाँ पर खतरे में हो जाता, फायर ब्रिगेड यहाँ पर नज़दीक ही अवेलेबल थी तो तुरंत फायर ब्रिगेड आकर के जो है उस पर कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक मकान जो था जिसमें चार भाई रहते थे उनका मकान बचाया नहीं जा सका, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सरकार की ओर से हर संभव मदद रूप से, एक तो दर्शन करने का मन था कई दिनों से, मेरी कुल देवी है और इन दिनों में मुझे इस बात की खुशी है कि पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचा है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी वहाँ पर बहुत बेहतर हो गई। और दूसरी बात ये भी है कि दो सीजन पिछले हमारे जो है टूरिज्म के वो कोविड के कारण प्रभावित हुआ, अब की बार अच्छा टूरिस्ट आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जंजहेली घाटी हमारी पर्यटन की दृष्टि से जिसको हम प्रमोट करने लगे हैं, आने वाले समय में जो धार्मिक पर्यटक शिकारी माता दर्शन के लिए आता है वो भी आएंगे और उसके साथ टूरिस्ट भी आएंगे क्योंकि ये सुंदर वैली है, बहुत सुंदर वैली। और एक जो होटल हमने यहाँ पर बना करके तैयार किया है जो ADB के माध्यम से बना करके हमने तैयार किया और क्लब महिंद्रा को हमने उसको आगे आने वाले संचालन करने के लिए दिया है और वो भी एक महीने के अंदर अंदर फंक्शनल हो जाएगा और उससे जंजहेली घाटी पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि क्लब महिंद्रा की जो चेन है वो पूरा देश के अंदर तो है ही है पर लेकिन इंटरनेशनली नॉन चेन है वो और उसमें दूर से टूरिस्ट आएगा यहाँ आनंद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आया है फूड वॉक। फूड वॉक जिसमें मिलेगा लोकल जायका और देसी के साथ इंटरनेशनल स्वाद। तो देखना ना भूलिए मंगलवार शाम 7 बजे सोलन फूड वॉक विद फूड एक्सपर्ट अर्पित अवस्थी।